हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के हिंदी मीडियम के विद्यार्थी बच्चों, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उपयोग हम आगे कई जगह करने वाले हैं। और वो टॉपिक है बच्चों, आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव या आवेशित गोले का विद्युतीय विभव। तो बच्चों, मैं इंजीनियर हरवी सिंह आपको क्लास ट्वेल्थ का हिंदी मीडियम का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आज का हेडिंग है बच्चों, आवेशित गोले के कारण वैद्युत विभव। इंग्लिश में बच्चों कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर। बच्चों, तो एक आवेशित गोले के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग पहले गॉसेज लॉ के एप्लीकेशंस में हम पढ़ चुके हैं। आइए उसको समझते हैं क्या पढ़े हैं। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि एक आवेशित गोला, खोखला आवेशित गोला अगर लेते हैं, जिसको हम गोलीय कोष कहते हैं, खोखला आवेशित गोला अगर लेते हैं, चाहे वो चालक हो या अचालक हो, खोखला आवेशित गोला अगर लेते हैं तो इस खोखले आवेशित गोले के कारण इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, इस आवेशित गोले के बाहर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक बिंदु आवेश के विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के बराबर होता। जैसे बच्चों, अगर इस आवेशित गोले के पृष्ठ पर कैपिटल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इस आवेशित गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र आएगा बच्चों, वो आएगा 1/4πε0Q/r². ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बोल रहे हैं, अभी विभव नहीं बोल रहे हैं, इसी की सहायता से हम विभव तक पहुंचेंगे। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है बच्चों। ये जो सूत्र है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, या आवेशित गोले के कारण उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है, ये सूत्र किस सूत्र से मिलता जुलता है? तो ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है बच्चों, ये एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो पढ़े हैं आप बहुत पहले पहला चैप्टर में, कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला जो पढ़े, E=1/4πε0Q/r², एकदम इसी सूत्र से एकदम है, इसी तरह का ही सूत्र है। इसलिए कहते हैं कि खोखला आवेशित गोला उसके बाहर स्थित बिंदु के लिए एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। एक खोखला आवेशित गोला, चाहे वो आवेशित गोला चालक का बना हो, चाहे वो आवेशित गोला अचालक का बना हो, खोखला आवेशित गोला जो होगा यह इसके बाहर स्थित बिंदु किसी बिंदु के लिए एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसके बाहर के बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र वही मिलता है जो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र मिलता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इस आवेशित गोले के कारण इसके बाहर के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का भी सूत्र वही लिखेंगे जो एक बिंदु आवेश का विद्युतीय विभव का सूत्र होता है। और बिंदु आवेश के विभव का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि अगर कोई पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, किस लेक्चर में, पिछले में, कि अगर कोई बिंदु आवेश क्यू हो और आर दूरी पर अगर विभव लिखना हो, विभव, तो सूत्र पढ़ चुके हैं V=1/4πε0 और Q/r, ये पढ़े हैं विभव। अगर धनावेश रहेगा तो धनात्मक विभव, अगर ये ऋण आवेश रहता तो यहाँ माइनस लग जाता। विभव के फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, ये बिंदु आवेश का विभव का सूत्र है, और इस आवेशित गोले का भी जो इसके बाहर स्थित बिंदु पर जो विभव का सूत्र होगा वो एकदम वही होगा जो बिंदु आवेश का विभव का सूत्र होगा। क्यों? क्योंकि ये आवेशित गोला इसके बाहर स्थित बिंदु के लिए ठीक उसी प्रकार व्यवहार करेगा जैसे कि यह एक बिंदु आवेश के रूप में है, और ऐसा लगेगा कि इसका कुल आवेश इसके केंद्र पर बिंदु आवेश के रूप में है। और एकदम क्यों, देख लो ये जो फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आवेशित गोले के बाहर, मालूम है इस फॉर्मूला को हम कैसे लाए थे? गॉसेज लॉ का उपयोग करके। इस आवेशित गोले के कारण इसके बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र आया था, ये गॉसेज लॉ का उपयोग करके आया था, गॉस नियम का उपयोग करके आया था। और
ये सूत्र एकदम ठीक उसी तरह का है जैसे कि बिंदु आवेश का आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है। इसलिए बच्चों याद रखो ओवरऑल रिजल्ट हमको क्या मिला कि आवेशित खोखला गोला के कारण उसके बाहर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उसी तरह का है जैसे कि बिंदु आवेश का है। इसलिए आवेशित खोखला गोला उसके बाहर के बिंदु के लिए एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। ये पूरा गोला लगेगा एक बिंदु आवेश है और लगेगा इसका सारा आवेश इसके केंद्र पर बिंदु आवेश के रूप में। और इसीलिए जब इसका हम विभव लिखेंगे इसके बाहर तो एकदम वही सूत्र लिखेंगे जो बिंदु आवेश का विभव का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। कहेंगे यहाँ कहेंगे कि चुकी एक खोखले आवेशित गोले के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उतना ही होता है जितना एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। अतः एक खोखला आवेशित गोला उसके बाहर स्थित बिंदु के लिए उसके बाहर स्थित बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि गोले का कुल आवेश उसके केंद्र पर बिंदु आवेश के रूप में है। यहाँ आवेश लिखे हुए हैं आवेश के रूप में। बच्चों पढ़ देते हैं चूंकि एक खोखला आवेशित गोले के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उतना ही होता है जितना एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। अतः एक खोखला आवेशित गोला उसके बाहर स्थित बिंदु के लिए यहाँ बिंदु लिखे हुए हैं उसके बाहर स्थित बिंदु के लिए बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि गोला का कुल आवेश उसके केंद्र पर बिंदु आवेश के रूप में है। और इसीलिए एक खोखले आवेशित गोले के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युतीय विभव बिंदु आवेश के विद्युतीय विभव के बराबर लिखते हैं। तो इस बात को मिटा कर ये बात एक और लिखना है मैं यहाँ मिटा कर लिख देता हूँ और हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि इसीलिए एक खोखला आवेशित गोला के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युतीय विभव बिंदु आवेश उतना ही होता है जितना एक बिंदु आवेश का विभव होता है। चलो बच्चों तुम्हारे समझ में आने के लिए इतना बात हम लिख दिए हैं जो समझा तो देवे किए हैं कि एक खोखला आवेशित गोला के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युतीय विभव
उतना ही होता है जितना एक बिंदु आवेश का विभव होता है। इसको फिगर में हम यहाँ बता देता हूँ लिख करके। फिगर में इस चीज को बच्चों हम इस प्रकार समझेंगे, इस प्रकार फिगर में हम लोग समझेंगे आपको। ध्यान देना बच्चों कि अगर ये हमारा आवेशित गोला है, इस गोले की त्रिज्या हमारा इस गोले पर इसके गोले पर इस गोले के बाह्य पृष्ठ पर कैपिटल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश जो है कैपिटल क्यू है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इस गोले के बाहर स्थित बिंदु पर यहाँ विभव लिखना है। बिंदु पी पर विभव यानी आवेशित गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर विभव, उसके बाहर स्थित बिंदु पर विभव, बिंदु पर विभव लिखेंगे अगर विद्युतीय विभव भी बराबर वही बिंदु आवेश का विभव भी बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट और q/r। ये फॉर्मूला हो गया विभव का। एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव मिलता है, लगेगा ना कि गोला का सारा आवेश एक बिंदु आवेश के रूप में इस बिंदु पर है और बिंदु आवेश का जो विभव का सूत्र पढ़े हैं भी बराबर 1/4π0 q/r, यही वाला सूत्र जो है हम लोग का मिल जाएगा विभव के लिए। तो हम जान गए कि कोकले आवेशित गोले के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर विभव जो है ये सूत्र आपको मिल जाएगा। ये दूरी स्मॉल r यहाँ पर लिया गया। अब है कि इसके सतह पर विभव कितना होगा बच्चों, इसके भीतर कितना विभव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जान लेना। आइए हम इसको समझते हैं कि इसके सतह पर विभव क्या होगा, इसके भीतर विभव क्या होगा। आइए समझते हैं। तो बच्चों पॉइंट नंबर एक हम समझ गए कि खोखले आवेशित गोले, खोखले आवेशित गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युतीय विभव हम जान गए कि अगर ये हमारा गोला है और इस प्रकार से आवेश लगातार एक समान रूप से वितरित हैं और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर विभव बिंदु पी पर विभव, जान गए यहाँ पर कि हो जाएगा 1/4π ε0 और q/r। अब हम सीखेंगे कि अब सतह पर और इस गोले के भीतर विद्युतीय विभव क्या होगा। इसके सतह पर विभव इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, यानी पॉइंट नंबर दो हम कहेंगे कि खोखले आवेशित गोले के पृष्ठ पर विद्युतीय विभव, पृष्ठ पर विद्युतीय विभव अगर बच्चों निकाले हम यहाँ, तो बच्चों याद रखो कि इस गोले के बाहर जो विभव का सूत्र मिला है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम इस स्मॉल आर के जगह पर ये कैपिटल आर बैठा देंगे, क्योंकि बिंदु पी जब हम यहाँ लेकर चले आएंगे तो ये जो स्मॉल आर दूरी है इस त्रिज्या के बराबर बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर कि ये जब हमारा ये गोला हो गया, ये एक समान रूप से आवेशित है ये इस प्रकार से बच्चों, और इसकी त्रिज्या जो है ये कैपिटल आर है और यहीं पर बिंदु पी हमारा हो गया, इस बार यहीं पर बिंदु पी हो गया जहाँ हमको विभव निकालना है और ये कैपिटल आर हो गया, तो पृष्ठ पर विभव जो मिलेगा हम लोगों को ये मिल जाएगा हम लोग को 1/4π ε0 और Q/R। की हम यही है कि इसी सूत्र में स्मॉल आर के जगह पर हम कैपिटल आर बैठा दिए हैं। जान लो हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर हमें सूत्र यहाँ मिल गया है, गोले के पृष्ठ पर विभव का सूत्र मिल गया। ये गोले के बाहर निकला है, ये गोले के पृष्ठ पर। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये खड़ा है कि इस गोले के भीतर विद्युतीय विभव जो मिलेगा, तो इस गोला को इस तरह बनाए कि गोला लगे टेढ़ा मेढ़ा ना बने। तो जो सबसे बड़ा हमारे सामने प्रश्न ये है कि इस गोले के
भीतर विद्युतीय विभव जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि विभव गोले के भीतर क्या होगा, तो इस गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युतीय विभव उतना ही होगा जितना इसके सतह पर विभव होगा। जान लो बच्चों, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा कि आवेशित गोले के बाहर के बिंदु पर विभव का फॉर्मूला, ये भी ओ हो गया मतलब बाहर आउटसाइड, ये सरफेस पर हो गया मतलब कि सतह पर सरफेस पर, और हमको अगर इसके भीतर विभव निकालना है तो उतना ही आएगा विभव का मान जितना कि सतह पर निकला है। बच्चों अब आप कहेंगे ये क्यों, इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आइए एक कंसेप्ट है इंटरेस्टिंग, आइए समझते हो कि इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या है। बच्चों हमने पढ़ा है गॉसेज लॉ में कि किसी खोखले आवेशित गोले के भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता शून्य होता है, किसी खोखले आवेशित गोले के भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जो होता है बच्चों ये शून्य होता है हर बिंदु पर इसके भीतर में। इसका मतलब कि हमें इसके भीतर में किसी इकाई जांचा इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलाना हो तो हमें कोई किसी विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हर जगह विभव समान होगा, विभवांतर शून्य होगा, हर जगह विभव समान होगा और उतना ही होगा जितना इसके सतह पर विभव होगा। तो स्थिति तीन में यहाँ लिख रहा हूँ, स्थिति तीन को मैं यहाँ बच्चों लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ तीसरा स्थिति हम लोग, यहाँ दूसरा स्थिति क्या जान गए हैं बच्चों, हम लोग जान गए हैं, अब तीसरा स्थिति हम जानने जा रहे हैं, खोखले आवेशित गोले के भीतर विद्युतीय विभव के भीतर विद्युतीय विभव, ये हम जानना चाहते हैं बच्चों। और मैंने क्या बोला कि अगर कोई खोखला आवेशित गोला है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से आवेश वितरित है, इसके सतह पर विभव क्या होगा, आवेशित गोले पर अगर टोटल आवेश कैपिटल क्यू हो, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो अगर, तो गोले के आवेशित गोले के खोखले आवेशित गोले के खोखले आवेशित गोले के पृष्ठ पर विभव हम जान चुके हैं बच्चों, गोले के पृष्ठ पर विभव हम जान चुके हैं, विद्युतीय विभव हम जान चुके हैं, वो कितना होगा, वी बराबर 1/4 साइलेंट नॉट और कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना ही विभव इसके भीतर हर बिंदु पर होगा, इसी को समझ लेना क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसके भीतर में विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता शून्य होता, हर जगह विद्युत क्षेत्र शून्य होता, इसलिए जो है इसके भीतर में इकाई आवेश को या किसी जांच आवेश को अगर चलाना पड़े तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। विभव की परिभाषा क्या है, अनंत से इकाई धन जांच आवेश को किसी बिंदु पर लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव होता। तो एक बात याद करो, हमको इसके सतह पर अगर जांच आवेश को अनंत से लाना होता तब इसके सतह का आवेश तो विरोध करता, विद्युतीय क्षेत्र विरोध करता, आम बल लगा करके लाते कार्य करते तो सतह तक हमको कार्य करना पड़ता, लेकिन जब इसके भीतर प्रवेश कराते जांच आवेश को अगर ले जाते, माने इमेजिन करो, कल्पना करो कि इसके भीतर अगर चलाना होता तो हमें किसी विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ता, कार्य करना ही नहीं पड़ता, यानी हमको कार्य करना पड़ा कहाँ तक लाने में, तो सतह तक, और इसीलिए इसके भीतर हर जगह कहीं भी अगर जांच आवेश या इकाई जांच आवेश को चलाना हो तो इसके भीतर हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके भीतर क्षेत्र जीरो है, इसलिए इसके भीतर विद्युतीय विभव प्रत्येक बिंदु पर उतना ही होगा जितना इसके पृष्ठ पर विभव होगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि चूंकि खोखले आवेशित गोले के भीतर खोखले आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होता है अतः आवेशित गोले के भीतर अतः खोखले आवेशित गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर भीतर जांच आवेश को चलाने में
जांच आवेश को चलाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आवेशित गोले के भीतर, इसलिए आवेशित खोखले आवेशित गोले के भीतर, इसीलिए बच्चों यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसीलिए खोखले आवेशित गोले के भीतर विभव उतना ही होगा जितना पृष्ठ पर विभव होगा। बच्चों कहने का मतलब यह है कि इसके भीतर में क्षेत्र तो जीरो होता है, हमको अगर जांच आवेश इसके भीतर चलाना हो तो हमें विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा जो खोखले आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो खोखले आवेशित गोले के भीतर जांच आवेश को चलाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसमें अंडरस्टूड है कि विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए खोखले आवेशित गोले के भीतर विभव उतना ही होगा जितना पृष्ठ पर विभव होगा, और इतना ही नहीं इसके भीतर किसी भी बिंदु पर विभव उतना ही लिखोगे जितना इसके पृष्ठ पर विभव होगा। इसका जबरदस्त यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स में और आगे के बहुत सारे थ्योरी में हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग क्या सीख गए यहाँ पर बच्चों, उसको एक बार मैं यहाँ एक लाइन में लिख देता हूँ। हम लोग यहाँ पर सीख गए, आपको यहाँ पर हम लोगों ने सीखा तीन चीज़ें, तीनों चीज़ को मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ, यही मेन आपको याद रखना है। पहली बात हमने सीखा कि खोखला आवेशित गोला के बाहर विभव, के बाहर विद्युतीय विभव लिखना हो, ये गोला एक छोटा सा बना दे रहे हैं, इस प्रकार से आवेशित गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इस पर आवेश कैपिटल क्यू है, और यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर त्रिज्या को इधर दिखा दे रहा हूँ, ये त्रिज्या हो गया, इसे स्मॉल आर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बाहर विभव लिखना हो तो भी बराबर 1/4πε0Q/r जो बिंदु आवेश के विभव के बराबर होता है। दूसरी बात गोले के पृष्ठ पर विभव लिखना हो तो बच्चों ये फिगर हमारा हो गया, इसके बाह्य पृष्ठ पर आवेश पूरी तरह से वितरित है और इसकी त्रिज्या जो है हमारा ये कैपिटल आर है, और इसके सतह पर विभव लिखना हो तो भी बराबर 1/4πε0Q/r इसके सतह पर विभव निकल गया। और तीसरा बात हम लोग बच्चों क्या सीखे कि गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर ये अगर आवेशित गोला हो गया, आवेशित खोखले गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव उतना ही होगा बच्चों, इसके भीतर कहीं भी जो सतह पर विभव यहाँ निकला है यानी भी बराबर 1/4πε0Q/r जितना, ये वही फॉर्मूला जितना सतह पर है। अब चाहे केंद्र पर विभव पूछा जाए तो भी यही फॉर्मूला लिखना है, इसके भीतर कहीं पूछे तो ये लिखना है, सतह पर पूछा जाए तो ये लिखना है, बाहर जब रहेगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा, दूरी स्मॉल आर एक बिंदु आवेश की तरह हमें मिल जाएगा। अब हम लोग जो ये बात सीखे, ये खोखला आवेशित गोला के लिए सीखे, ये खोखला आवेशित गोला चाहे अचालक पदार्थ का बना हो चाहे चालक पदार्थ का बना हो हम हर स्थिति पर लागू कर सकते हैं। आवेशित गोले के बाहर विभव तो बिंदु आवेश के विभव के बराबर, सतह पर विभव लिखना है इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर के जगह पर त्रिज्या कैपिटल आर को बिठा दीजिए, इसके भीतर कहीं भी विभव लिखना है तो जितना सतह पर विभव निकला उतना ही विभव रहेगा, आपको याद रखिएगा। अच्छा विभव कौन राशि है बच्चों, तो विभव अदिश राशि है। अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा था कि ये जो फॉर्मूला निकला ये खोखला जो चालक गोला होगा आवेशित उस पर भी लागू होगा, खोखला आवेशित अचालक गोला होगा उस पर भी लागू होगा, एक और चीज़ पर लागू होगा, अगर धातु या चालक का गोला है और ठोस भी है, धातु या चालक का गोला और ठोस है तो भी लागू होगा, इसको हम
इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि धातु को जो आवेश दीजिएगा वो हमेशा, चालक को जो आवेश दीजिएगा वो हमेशा, चाहे वो खोखला हो चाहे ठोस हो, उसका कुल आवेश सतह पर ही पहुंचता है। ये बात याद रखिए। चलिए तो हम लोग इस पर कुछ ये न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ सवाल सीखते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं न्यूमेरिकल्स, एक सवाल को सीखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, बड़ी फेमस क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। दो सकेंद्रीय खोखले आवेशित गोलों की त्रिज्याएं स्मॉल आर तथा कैपिटल आर है एवं इनके बाह्य पृष्ठों पर आवेश स्मॉल क्यू तथा कैपिटल क्यू है। ये स्मॉल Q1 और Q2 है, कर दो बच्चों, Q2 है। तो जिन्हें चित्र में दर्शाया गया है, जिन्हें इसका चित्र दिया रहेगा, चित्र में दर्शाया गया है तो प्रत्येक गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव लिखे, बाह्य पृष्ठ पर विद्युतीय विभव लिखें। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। फिगर यहाँ दिया हुआ, फिगर एक गोला ये है हमारा, गोला एक ये है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, और दूसरा गोला ये है स्मॉल आर अंदर वाले का, और बाहर वाले का त्रिज्या कैपिटल आर है। अंदर वाले प्रवेश Q1 है और बाहर वाले प्रवेश Q2 है। प्रत्येक गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव लिखना है, इनके बाह्य पृष्ठ पर प्रवेश Q1 और Q2 है। प्रत्येक गोले के बाह्य पृष्ठ पर विद्युतीय विभव लिखें। चलो मैं यहाँ सोल्यूशन करता हूँ बच्चों। सोल्यूशन यहाँ सीखना बहुत मज़ेदार चीज़ है, और आगे इसका यूज करोगे, इस तरह की चीज़ों का उपयोग आप कीजिएगा। यदि हमको इस अंदर वाले के पृष्ठ पर विभव लिखना है, यानी भीतरी गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव क्या मतलब, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले भीतरी गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव लिखना है बच्चों। तो इसको कैसे लिखा जाए समझना है, लिखने जा रहे हैं V1 = देखना बच्चों, यहाँ अगर कोई बिंदु लीजिएगा तो यह बिंदु इस छोटे वाले गोले के लिए पृष्ठ पर हो गया, और आज ही पढ़ें कि किसी आवेशित गोले के पृष्ठ पर विभव हम इतना लिखेंगे 1/4πε0 q/r। लेकिन यह बिंदु जो भीतर वाले के पृष्ठ पर जो बिंदु है, ये बाहर वाले गोले के लिए भीतर भी तो है, यानी इस बाहर वाले गोले के कारण भी यह विभव निकलेगा बच्चों। विभव अदिश राशि है, जितने आवेश वहाँ मौजूद हैं उन सबके विभवों का बीजगणितीय जोड़ जोड़ते हैं, इसको अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, विभवों का अध्यारोपण का सिद्धांत। विभव अनेक आवेशों का विभव जो हम पढ़ते थे, यहाँ पर दो आवेशित गोले आपके हैं, यहाँ पर विभव लिखना है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि इसी का विभव यहाँ केवल लिख के छोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये बाहर वाला जो गोला है, इस बाहर वाले गोले के चलते के कारण, या इस गोले के लिए यह बिंदु उसके भीतर में है, तो इसके चलते भी, इस बाहर वाले के चलते भी यहाँ विभव होगा, और वो हो जाएगा हम लोग को 1/4πε0 और Q/R। यानी जितना इस बाहर वाले के सतह पर विभव होगा वही विभव इसके भीतर भी, यानी ये विभव जो लिखे इस बाहर वाले के चलते यहाँ लिखे, इस छोटे वाले के चलते तो लिखबे किए, मतलब इस बिंदु पर कुल विभव, अगर यहाँ एक बिंदु हम ए ले लेते
या बिंदु ए लेते तो भी ए बराबर ये निकल जाता। अगर बाहर वाले पर हम बिंदु बी लेते, आओ बाहर वाले पर भी हो निकाल के देखते हैं बच्चों, यानी बाहरी गोले के बाह्य पृष्ठ पर, बाहरी गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव, के बाह्य पृष्ठ पर विभव लिखना है अगर बच्चों विभव, तो हम लोग को मिलेगा हम लोग को वी बी इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों, ये जो बाहरी बिंदु है ये हम लोगों को इस छोटे वाले आवेशित गोले के लिए, यह बिंदु बी इस छोटे वाले आवेशित गोले के लिए, इस गोले के लिए बाहर बिंदु हो गए, मतलब ये जो बिंदु हमारा बी यहाँ पर मानो सपोज करो, तो देखो तो यहाँ से इस छोटे वाले गोले के लिए बिंदु बी जो हुआ इस छोटे वाले के लिए बाहरी बिंदु ना हो गया, तो इस छोटे वाले के चलते यहाँ पी भाव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस छोट। अच्छा सुनो बच्चो, यहाँ पर अब एस क्यू वन लिए हैं, यहाँ अब एस क्यू टू लिए, ध्यान रखना स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू लिखा गया था, क्यू वन क्यू टू लिए हैं तो क्यू वन क्यू टू लेंगे। अब इसी तरह से इस छोटे वाले के चलते यहाँ विभव तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू वन और बाई कैपिटल आर लिखेंगे, इस बार स्मॉलर नहीं लिखेंगे, छोटे वाले के चलते विभव लिख रहे हैं लेकिन बी पर लिख रहा है तो केंद्र से इसकी दूरी कैपिटल आर हो जाएगा बड़े वाले के त्रिज्या के बराबर, अब प्लस अब इस बड़ा वाला के चलते यहाँ पर विभव तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू टू बाई कैपिटल आर। तो आप देख सकते हैं इस छोटे वाले के सतह पर विभव लिखा तो अभी दोनों के चलते, बाहर वाले के चलते ये हो गया और अंदर वाले के खुद के चलते ये हो गया, अगर बाहर वाले पर लिखे तो भी दोनों के चलते, इस अंदर वाले के चलते भी इस बिंदु पर विभव ये मिला, बस दूरी चेंज कर गया, इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी इस बिंदु बी का दूरी, उसके बाद इस बाहर वाले का भी विभव यहाँ पर लिख दिया और कुल विभव निकल गया। ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसका जरूरत हम लोग को आगे पड़ जाता है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, देख सकते हैं बच्चों। और हम लोग अब बच्चों इसके आगे हम लोग अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और अब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।